अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल किचन स्टोरीज विद जिया सुहेब। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद आएगी। और जब ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज हम लोग मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी और इसी तरीके की सॉफ्ट और बहुत अच्छी सी मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी रेसिपी। जो इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो आपके सामने वीडियो में शो हो रहे हैं। इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के मैंगो जो हैं उनको इस तरीके से काट लिया है, रफ सा काट लिया है। इसके लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि आपको क्यूब्स बनाने हैं ऐसे, क्योंकि हम लोगों ने इसकी प्यूरी बनानी है। इसमें मैंने 1 कप जो है वो शुगर ऐड की है, कप छोटे वाला है। आप फिर भी मैंगो को टेस्ट कर लीजिएगा, अगर बहुत मीठा मैंगो हो तो आपने ये करना है कि शुगर की क्वांटिटी थोड़ी कम कर लेनी है। फूड कलर हम इसमें ऐड करेंगे, येलो कलर ऐड करेंगे ताकि मैंगो की आइसक्रीम का बहुत अच्छे सा कलर आ जाए। और साथ में हम लोग व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। मैंने इसमें 2 पैक्स जो हैं वो व्हिपिंग क्रीम के ऐड किए हैं। मैंने मिल्क पैक की क्रीम यूज़ किया, आप कोई और भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम बनेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हम लोग आइसक्रीम मेकिंग स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने मैंगो और शुगर साथ में मिक्स करके ब्लेंड कर लेनी है और इसकी इस तरीके से प्यूरी बना लेनी है, जिस तरह आपको वीडियो में शो हो रहा है। अच्छे से प्यूरी बनानी है आपने। अब एक सेपरेट बाउल में मैंने दोनों व्हिपिंग क्रीम के जो पैकेट्स हैं वो ओपन कर लिए हैं। अब हमने क्रीम को इतने अच्छे से बीट करना है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो फोमी हो जाए। फोमी कंसिस्टेंसी होगी, बहुत अच्छे से इसका आइसक्रीम का जो है वो टेक्सचर बनेगा। व्हिपिंग क्रीम यूज़ करने से पहले आपने ये ध्यान रखना है कि व्हिपिंग क्रीम यूज़ करने से 4 घंटे पहले या 5 घंटे पहले क्रीम को अच्छे से आप ठंडा कर लें, फ्रिज में रख लें। अगर वो इतने अच्छे तरीके से फिर भी ठंडी नहीं हुई तो आप बाउल के नीचे बर्फ़ रख लें और उसके ऊपर बाउल रख के फिर इसको व्हिप करें। क्रीम को अच्छे से व्हिप होने के लिए कंसिस्टेंटली आपको 3 से 5 मिनट्स के लिए इसको व्हिप करना होता है, तो वो बहुत अच्छे से इसका टेक्सचर आ जाता है। वीडियो में आपको शो हो रहा है मुझे इसको बीट करते हुए 3 मिनट्स हुए थे। बहुत अच्छे से ये व्हिप हो गई थी, कंसिस्टेंसी इसकी फोमी हो गई थी, लेकिन मैंने इसके बाद भी इसको 1 से 2 मिनट और इसको बीट किया ताकि बहुत अच्छे से इसका टेक्स्चर आ जाए, बहुत अच्छे से फोमी टेक्स्चर आ जाए। वीडियो में आपको नज़र आ रहा है बहुत अच्छा टेक्स्चर आ चुका है। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप की तरफ। अब इस टाइम पे आपने बहुत ध्यान रखना है, ये स्टेप आपने बहुत ध्यान से देखना है, इसको इसी तरीके से आपने फॉलो करना है तो वही रिज़ल्ट आएगा जैसे कि आपको वीडियो में शो हो रहा है। आपने इसमें थोड़ी थोड़ी क्रीम ऐड करनी है और बहुत ही हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपने मिक्स नहीं करना। आपने ये ध्यान रखना है जो क्रीम का फोमी टेक्स्चर है वो बिल्कुल ख़राब ना हो। अगर क्रीम का टेक्सचर ख़राब नहीं होगा तो इसका वही रिज़ल्ट आएगा जैसे आपको वीडियो में शो होगा और वही आपको जो कहते हैं सॉफ्टनेस होती है आइसक्रीम में, बिल्कुल वैसी ही सॉफ्टनेस आपको मिलेगी। अभी मैंने इसमें ऐड किया है फूड कलर ऐड करके भी मैं इसको मिक्स करूँगी, इसका बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड नहीं करना तो आप बेशक ऐड ना करें। मैंने ऐड किया था ताकि मुझे थोड़ा सा तेज़ कलर इसका शो हो, जैसे कि मैंगो आइसक्रीम में होता है, क्योंकि हम लोग मैंगो प्यूरी में क्रीम ऐड करते हैं तो थोड़ा सा लाइट कलर हो जाता है, तो कलर ऐड करने से बहुत प्यारा कलर आ जाता है। मैंने बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लिया, आपने पूरी वीडियो में देखा है, मैंने कोई स्टेप स्किप नहीं किया था। मैंने बहुत ही हल्के हाथ से बहुत ही फर्मली इसको बीट किया है, फर्मली इसको मिक्स किया है और इसका टेक्सचर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, ये उसी तरीके से फोमी टेक्सचर में है। अब हम लोग ये करेंगे कि हम लोगों ने इसको स्टोर कैसे करना है। स्टोर करने के लिए कोई आप एयर टाइट जार ले सकते हैं, कोई कंटेनर ले सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली घरों में आइसक्रीम आती है तो उसके कंटेनर्स हम खवातीन क्या करती हैं कि उसको लेटर यूज़ के लिए, उसको रिसाइकलिंग के लिए रख लेती हैं। मेरे पास भी इस तरह एक आइसक्रीम का कंटेनर था जिसको मैंने यूज़ करने के लिए रख लिया था। अब इसको मैंने वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लिया और जो आइसक्रीम का बैटर है जो मैंने रेडी किया था वो सारा मैं इसमें डाल दूंगी। सारा मैं इसमें डाल के इसमें इवनली इसको स्प्रेड कर लूंगी। और उसके बाद आपने ये करना है कि बटर पेपर, अगर आपके पास बटर पेपर है तो वो, या फिर क्लिंग शीट है तो वो लेके इसके ऊपर आप लगा देंगे, जैसे कि आपको वीडियो में शो हो रहा है मैंने इसके ऊपर लगा दिया ताकि इसमें कोई बबल्स ना बने और कोई भी आइस क्रिस्टल्स ना आए। और सारे प्रोसेस के बाद मैंने आइसक्रीम को ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। मिनिमम 8 आवर्स के लिए रखें, मैक्सिमम ओवरनाइट के लिए रखें। आप देख सकते हैं इस पर कोई बबल्स नहीं आए और बहुत अच्छा सा स्मूथ सा टेक्सचर इसका नज़र आ रहा है। अभी हम इसको इसकी प्लेटिंग करेंगे, इसको निकालेंगे। मेरे पास स्कूप नहीं था तो मैंने इसको स्पून से निकाला है। मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ के लिए कोई काम रुकता नहीं है, तो मैं इससे पहले कि मैं स्कूप का वेट करती और फिर मैं आइसक्रीम की वीडियो बनाती तो मैंने इसको स्पून से निकाला है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर है और आप यकीन कीजिए जिस टाइम पे आप इसको ट्राई करेंगे तो आप खुद विटनेस करेंगे इसका टेस्ट बहुत अच्छा था।
इसको आप बाज़ार से कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर बाज़ार वाली आइसक्रीम से बहुत बहुत ज़्यादा बेटर था। और सबसे बड़ी बात थी कि घर में बनी हुई साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग ट्राई करेंगे। और जो बाहर की आइसक्रीम होती है उसमें तो लिखा भी होता है कि ये ओरिजिनल आइसक्रीम नहीं है। तो आप अपने बच्चों को, घर वालों को ऑर्गेनिक अच्छी चीज़ें खिलाएं, खुद बना के खिलाएं, साफ़ सुथरी चीज़ें खिलाएं। ये आइसक्रीम आप बनाएं घर में, खिलाएं, सबको बहुत बहुत पसंद आएगी। जब रेसिपी ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलें। फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरा चैनल शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए। जल्द मिलेंगे हम न्यू रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।